हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ अन ड्रेसेस शेयर करूँगी जो मैंने इससे पहले लिए थे लेकिन मैंने स्टिच नहीं करवाए तो इनके मैं प्रिंट्स और एम्ब्रॉयडरी किस तरह की हुई हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मेरा फ़र्स्ट ड्रेस है वो ये वाला है गुल अहमद से मैंने ये वाला ड्रेस लिया था जेकॉड का ये ड्रेस है जेकॉड शर्ट है जेकॉड के कपड़े की शर्ट है और लॉन के ऊपर प्रिंटेड दुपट्टा है इसका बहुत खूबसूरत इसका दुपट्टा है तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ जो इसकी शर्ट है वो उसके ओवरऑल एक ही प्रिंट है इसके बैक पे भी और फ्रंट पे भी और इसके दामन पे प्रिंट दामन पे बॉर्डर दिया हुआ है फ्रंट पे भी दामन पे सेम बॉर्डर है और बैक के भी दामन पे सेम ही बॉर्डर है मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला कपड़ा है इसका जैकॉर्ड का और इसका दामन जो है इस तरह का है आप देख सकते हैं इसकी बैक पे भी सेम इसी तरह का दामन है और फ्रंट पे भी और इसके गला गला कोई ऐसे कोई गला नहीं बना हुआ प्रिंट मतलब गले का कोई ख़ास प्रिंट नहीं बना हुआ ओवरऑल सारा सेम इसी तरह का ही प्रिंट है जो फ्रंट पे भी है और बैक पे भी अभी आप देख सकते हैं इसकी बैक पर भी सेम ही प्रिंट है और बैक पर भी सेम ही तरह का दामन है और जिसके स्लीव्स हैं वो भी बिल्कुल सेम ही इसी तरह के हैं अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके स्लीव्स ये हैं जो इसके आगे इसका बॉर्डर भी बना हुआ है और इसी तरह इसके स्लीव जो है ना सेम शर्ट की तरह के डिज़ाइन के हैं अभी आप देख सकते हैं इस तरह के इसके स्लीव्स हैं और जो इसका ट्राउज़र है वो सिंपल है ऑफ वाइट कलर का और इन्होंने ट्राउज़र के साथ एक पैच दिया हुआ है जो कि एम्ब्रॉयडर्ड तो नहीं है लेकिन प्रिंट प्रिंटेड सा है ऊपर ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है गोल्डन कलर में ये इसके साथ इसका दुपट्टा है बहुत खूबसूरत सा स्किन कलर की इसकी ऑफ वाइट कलर की बेस है और लाइंस है अंदर और ऊपर बहुत खूबसूरत सा फ्लावर्स का प्रिंट बना हुआ है बहुत ब्राइट कलर्स के साथ बहुत खूबसूरत है इसका दुपट्टा है और साथ में इसके दो बॉडर दोनों सा, दोनों साइड्स पे इसके बॉर्डर दिया हुआ है और इसके साथ मैंने जैसे इसके पोस्टर के ऊपर एक उन्होंने अपने दुपट्टे के ऊपर बनाया हुआ था डिज़ाइन वो मुझे बहुत अच्छा लगा था अगर मैं उस तरह का बनवाऊँगी नहीं तो जैसा भी इसके साथ मैं डिज़ाइन करवाऊँगी वो मैं आप लोगों के साथ जब ये कपड़े स्टिच होके आ जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी तो जो नेक्स्ट में ये वाला मेरा गुल अहमद का ड्रेस था और जो मेरा नेक्स्ट ड्रेस है वो मैंने इतिहास से लिया था ये उनकी फेस्टिव कलेक्शन का था इसकी प्राइस ये है जो आपको नज़र आ रही है और ये इनकी फेस्टिव कलेक्शन में से है ईद से पहले मैंने लिया था और जो इसका शर्ट का फ्रंट है वो फुली एम्ब्रॉडेड है इस तरह का जैसे आप देख सकते हैं और अंदर लाइंस हैं गोल्डन कलर की और इसका दामन इस तरह का कुछ है ओवरऑल सारा ही एम्ब्रॉइडर्ड है इसका जो फ्रंट है ना बहुत खूबसूर खुछुर, खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी उसकी हुई हुई है और जो इसका बैक है वो इस तरह का है उसके ऊपर गोल्डन कलर की लाइंस हैं ब्लॉक प्रिंट इसको कहते हैं इस तरह की और स्लीव्स भी इसी में से हैं और इस तरह की लाइंस हैं स्लीव्स भी यही हैं और बैक भी इसी तरह की है आप देख सकते हैं इस तरह की लाइंस हैं और इसके साथ जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल सिंपल है कॉटन का लॉन का इसका ट्राउज़र है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल इसका ट्राउज़र है कोई इसके साथ पैच वगैरह नहीं है और जिसका दुपट्टा है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है सिल्क का दुबटा है और ऊपर इसके ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है गोल्डन कलर में और इसके साथ बॉर्डर्स दिए हुए हैं दोनों साइड के ऊपर और इसके इसके साथ मैंने पाइपिंग करवानी है इसकी थोड़ी लुक नीट हो जाएगी और इसके कॉर्नर्स के ऊपर टेसल्स लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा ये हैवी हो जाए ना अगर दुपट्टे के साथ कुछ लगवा लिया जाए तो दुपट्टे बहुत खूबसूरत हो जाते हैं अगर सिंपल मतलब एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है प्रिंटेड हैं तो उनके साथ कुछ लगवा लिया जाए तो बहुत खूबसूरत दुपट्टे की लुक हो जाती है तो ये मेरा सेकेंड ड्रेस था जो मेरा थर्ड ड्रेस है वो मैंने मारिया भी से लिया था ये मेरा थर्ड ड्रेस है आप देख सकते हैं ये मैंने नाइन थाउजेंड समथिंग का लिया था और इसके जो शर्ट का फैब्रिक है वो है कॉटन नेट इसका फ्रंट और बैक दोनों कॉटन नेट के हैं और स्लीव्स भी कॉटन नेट के हैं ये शर्ट का फ्रंट है और बैक भी बिल्कुल सेम है ये देखिए आप कितना खूबसूरत इसका कपड़ा है और इसके साथ इन्होंने काफ़ी सारे पैचेस दिए हुए हैं नेक के लिए भी दो पैचेस हैं और दामन के लिए स्लीव्स के लिए और ट्राउज़र के लिए भी इन्होंने पैचेस दिए मेरे साथ तो अभी मैं आपको पैचेज़ दिखाऊँगी इसके हैं जे गले के ऊपर भी इसके लगने हैं दो पैचेस हैं जो फर्स्ट पैच है वो ये इस तरह का कुछ ये ये पहले लगेगा ये वाला पैच और उसके ऊपर इस तरह की ये छोटे सा पैच है ये भी गले के ऊपर ही लगना है इसके ऊपर बहुत अच्छा सा काम है पोल्स का भी है सीक्वेंस का थ्रेड का काफ़ी अच्छा सा इसका ऊपर इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है तो जो इसके दामन के ऊपर दो पैचेज़ हैं पहले पहले इसके एक पैच लगेगा उसके साथ ये वाला इसके ऊपर पहले पैच ये वाला, वाला लगेगा उसके बाद ये सेकंड नंबर पे ये वाला पैच लगेगा बहुत खूबसूरत इसके पैचेज़ हैं जो इसके शर्ट कैंट पे ये वाला लगेगा और जो इसके स्लीव्स के साथ भी इन्होंने एक पैच दिया हुआ है बहुत खूबसूरत सा इसके स्लीवस का कलर ये वाला है ये इसके स्लीव्ज़ हैं आप देख सकते हैं कॉटन नेट के ऊपर और इसके साथ ये वाला पैच दिया हुआ है बहुत खूबसूरत सा दोनों स्लीवस के लिए इन्होंने पैच दिया हुआ है और इसके साथ इन्होंने दो वाइट कलर के पैचेज़ ट्राउजर के लिए भी दिए हुए हैं ये वाले इसके ट्राउज़र वाइट कलर का सिंपल ट्राउज़र है और उसके साथ दो पैचेज़ हैं इस तरह इस तरह इसके ऊपर पैचेज़ लगने के लिए देखें आप इस तरह के दो पैचेज दिए हुए हैं ट्राउज़र के ऊपर लगने के लिए और ये इसका ट्राउज़र है ऑफ़ वाइट कलर का सिंपल और जो इसका दुपट्टा है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है फुली एम्ब्रॉड इसका दुपट्टा है उसके दाम दोनों दोनों बॉर्डर्स के ऊपर बहुत प्यारी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और दुपट्टे के सेंटर में भी काफ़ी अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं बहुत खूबसूरत से और इसके भी कॉर्नर्स के ऊपर मैं कुछ लगवाऊंगी टेसल वग़ैरह और इसकी इस तरह की कटिंग होगी जैसे इसकी एम्ब्रॉयडरी आ रही है इसके साथ साथ इस तरह के कट वर्क होगा बहुत खूबसूरत ये दुपट्टा बन जाएगा उसके बाद और ये मेरा फोर्थ लास्ट ड्रेस है ये मैंने थ्री थाउजेंड फिफ्टी कर लिया था और ये मैंने मूड मूरबाग से लिया था इसका बहुत खूबसूरत चुनरी प्रिंट है जैसे आजकल काफ़ी इन है चुनरी प्रिंट तो ये मैंने इसका ऑलिव ग्रीन कलर में ये वाला ड्रेस लिया इसको आप देख सकते हैं इसके फ्रंट के ऊपर इसके इस तरह का कुछ प्रिंट है नेक से लेके दामन तक का सेम इस तरह का ऊपर से प्रिंट आ रहा है बहुत खूबसूरत सा इसके साथ इन्होंने एक बॉर्डर सा दिया हुआ है जो कट कटिंग करके जो इसके दामन पर भी लग सकता है और इसके नेक पर भी इसके साथ बहुत अच्छी सी कोई डिज़ाइनिंग हो सकती है जब मैं करवाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने इसको दामन को इसका बॉर्डर मैंने किधर लगवाया है और इसका जो बैक और स्लीव स्लीव्ज़ और बैक बिल्कुल सेम है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसके बाद स्लीव्स और बैक के साथ भी इन्होंने बहुत खूबसूरत सा एक बॉर्डर दिया हुआ है जो कि स्लीव्स के ऊपर स्लीव भी लग सकता है और बैक के दामन के ऊपर भी ये इसके स्लीव्स हैं और बैक भी इसी में से है और इसके साथ ये बहुत खूबसूरत सा आप देख सकते हैं बॉर्डर दिया हुआ है ये वाला और ये इसकी कटिंग होके तो ये दामन पे भी लग सकता है और स्लीव्स के साथ भी इसको लगाया जा सकता है बहुत खूबसूरत सा इसका दाम बॉर्डर है और जो इसका ट्राउज़र है बिल्कुल सिंपल है इस तरह का बिल्कुल सिंपल इसका ऑलिव ग्रीन कलर का ट्राउज़र है बहुत खूबसूरत सा और इसके साथ जो दुपट्टा है वो बहुत ज़्यादा लाइट और वेट और बहुत खूबसूरत लॉन के ऊपर इन्होंने दुपट्टा दिया हुआ है बहुत खूबसूरत सा और उसके साइड पर भी बॉर्डर बना हुआ है बहुत प्यारा सा इसके साथ ये वाइट पट्टी जो है ये मैंने निकलवा के तो इधर क्रोशिया लेस लगवाने का मैंने सोचा है बहुत खूबसूरत ताकि दुपट्टा ज़रा बहुत प्यारा सा बन जाए और ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें थैंक यू अल्लाह हाफिज़